नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल कुमार चौरसिया, डायरेक्टर लीवर ट्रांसप्लांट हेपेटोबिलर इन जीआई सर्जरी एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली। आज हम लीवर सिरोसिस के लक्षणों पर बात करेंगे। लीवर सिरोसिस की जो लक्षण है वो लीवर सिरोसिस की स्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, अर्ली स्टेज या लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में लीवर सिरोसिस जो है कई तरीके से आप लोग को प्रेजेंट कर सकती है, जिस तरीके से जैसे वीकनेस होना, थकान जल्दी आ जाना, भूख ना लगना या सोने के अंदर दिक्कत होना। इस तरीके के लक्षण अगर होते हैं तो हमें तुरंत अपने पास के किसी डॉक्टर या फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। जब लीवर डिजीज़ एडवांस स्टेज में प्रोग्रेस कर जाती है तो लक्षण जो हैं वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस होना यानी कि पीलिया हो जाना, पेट में पानी बनना या पेट फूलना, पैरों के अंदर सूजन आना। कई बार लीवर डिजीज़ जो एडवांस स्टेजेस के अंदर हिपेटिक एनकेफलोपैथी भी करवा सकती है, जिसे हम बेहोशी या गफलत होना भी कहते हैं। इस तरीके के लक्षण अगर किसी मरीज के अंदर अगर पाए जाएं तो उन्हें तुरंत अपने क्लोजेस्ट फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, या वो लोग द्वारका अस्पताल के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में भी आकर दिखा सकते हैं। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के अंदर लीवर डिजीज़ के पेशेंटों का इलाज मेडिकल और सर्जिकल तौर से किया जाता है, और हमारा अस्पताल लीवर डिजीज़ के हर तरीके के उपचार के लिए सक्षम है। अर्ली स्टेज के जो लक्षण हैं अगर उन्हें डिटेक्ट कर लिया जाए तो उनका मेडिकल या मेडिसिन से इलाज संभव होता है। लेटर स्टेज में जो लीवर सिरोसिस के लक्षण होते हैं वो डिकम्पनसेटेड लीवर सिरोसिस की वजह से होते हैं, और उस स्टेज में ऑपरेशन के द्वारा ही उनका इलाज संभव होता है, और ये ऑपरेशन लीवर ट्रांसप्लांट होता है। और इसके लिए भी हमारा जो हॉस्पिटल वेंकटेश्वर हॉस्पिटल पूरी सदी के तरह से सक्षम है। धन्यवाद।